हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीनट बटर केक की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा यम्मी और माउथ मेल्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें। 150 ग्राम मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट लिया है। अब इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे, तो इसे पीस लेंगे हम। और इसको अच्छी तरह से पीस लेना है, इसमें कोई भी चंक्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, बहुत अच्छा पाउडर बन गया हमारा। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच बटर, या फिर आप घी भी मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घी मिला रही हूँ, मेल्टेड घी है। और इसे फिर से एक बार हम चला लेंगे मिक्सर में, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, या फिर आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अब इन्हें कोई भी ट्रे लें जिसमें आपको सेट करना है केक को, उसमें निकालें सबको और अच्छी तरह से इसे दबा कर सेट कर दें। अब इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दें। और दूसरी तरफ एक गोल में पीनट बटर लेंगे। यहाँ मैं डिसानो का पीनट बटर ले रही हूँ और इसे 1 कप लें। और ये 1 कप पीनट बटर है, तो इसमें जाएगा आधा कप क्रीम। मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर इसी में हम डालेंगे आधा कप पाउडर शुगर। अब इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये देखिए कैसा क्रीम जैसा हो गया है बिल्कुल। और इसे मैंने हैंड ब्लेंडर से ही बीट किया है। थोड़ा टाइम लगा है, बट कोई नहीं। अब इसे हम बिस्किट के ऊपर लगा देंगे और अच्छी तरह से एक बराबर हम इसे फैला देंगे। इस रेसिपी को मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। आप बहुत आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। फिर से इसे फ्रिज में हम रख देंगे आधा घंटे के लिए। अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए 1 कप क्रीम को गर्म कर लें अच्छी तरह से। इसके बाद 1 कप इसमें चॉकलेट कंपाउंड डालें तोड़कर, या कोई भी चॉकलेट डालें। मैं यहाँ पर चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल है। अब इन्हें अच्छी तरह से मेल्ट होने दें। जब ये मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल इस ऐसा दिखाई देगा। अब इसे हम थोड़ा सा क्रीमी बना लेंगे, तो हैंड ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। ये देखिए एक परफेक्ट चॉकलेट गनाश बहुत आसानी से तैयार हो गया। अब इसे भी हम पीनट बटर के ऊपर लगा देंगे, और इसे हमें फैलाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा, ये चॉकलेट गनाश बहुत ज्यादा यमी होता है। इसे आप केक के ऊपर भी डाल सकते हैं, और फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें तो इसकी आइसिंग भी कर सकते हैं। और इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। 2 घंटे बाद बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा यमी बना है, और इसे जब आप सर्व कर रहे हैं तो बिल्कुल चिल्ड सर्व करें, तो ये ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ये बहुत ज़्यादा माउथ मेल्टिंग, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये ग्लूटेन फ्री केक है आपका। बनाइए और इंजॉय करिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी, इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताएं। और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।